दोस्तों, हम चांद के बारे में ज्यादा जानते हैं और समुद्र के बारे में कम। समुद्र के केवल 5% हिस्से के बारे में ही हम जानते हैं, बाकी का 95% समंदर अब भी हमारे लिए रहस्यमय तथा अनजाना है। धरती के 2/3 हिस्से में फैला समंदर अपने भीतर कई बड़े राज छुपाए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको समंदर के ऐसे ही कुछ रहस्यमय घटनाओं और जगहों के बारे में बताऊंगा, जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त रोहित और आप देख रहे हैं यूनिवर्स एडवेंचर। शुरुआत करते हैं पहले नंबर से। पहले नंबर पर है समुद्र में मम्मी बनने का रहस्य। दक्षिणी फिलीपींस में समुद्र तट के करीब एक लावारिस लाश मिली थी, जिसमें जर्मन नाविक मैनफ्रेड फ्रिंच बेजोराट का शव टेबल पर बैठी हुई स्थिति में मिला था। ऐसा लग रहा था कि मानो फ्रिंच अपने हाथ पर सिर रखकर सो रहे हों। उनकी लाश सड़ी नहीं थी, बल्कि मम्मी जैसी बन चुकी थी। हालांकि ऑक्टोप्सी के बाद साइंटिस्ट यह जानकर हैरान रह गए कि बेजोराट की मौत महज 7 दिन पहले हुई थी। कुछ एक्सपर्ट्स का अनुमान था कि समुद्र के नमकीन और सूखे वातावरण में रहकर लाश मम्मी बन गई, लेकिन कोई यह नहीं बता पाया कि जहां दूसरी लाशों को मम्मी बनने में इतना लंबा समय लगता है, वहीं बेजोराट की लाश सिर्फ हफ्ते भर में कैसे मम्मी बन गई। दूसरे नंबर पर है एलियन शिप्स के द्वारा बनाए गए निशान। दक्षिणी जापान में समुद्र की तलहटी में गोल आकृतियां मिलती हैं। इसे सबसे पहले 1995 में देखा गया था। उसके बाद गोताखोरों को ऐसी कई आकृतियां मिली। बहुत से लोग मानते हैं कि ये एलियंस का काम है। उनका मानना है कि यूएफओ, यानी कहा जाए कि एलियंस के प्लेन और शिप्स से ऐसी संरचनाएं बनती हैं। हालांकि 2011 में साइंटिस्ट ने बताया कि 5 इंच लंबी एक मेल पफर मछली ऐसी संरचनाएं बनाती है। वह फीमेल फिश को आकर्षित करने के लिए ऐसा करती है। इसके बावजूद बहुत से लोग इसे एलियंस का ही काम मानते हैं। तीसरे नंबर पर है समुद्र में डूबा जापान का रहस्यमय शहर। जापान में योगागुनी के तट पर ऐसी संरचनाएं मिली हैं जो किसी पुराने शहर का अवशेष लगती हैं। हालांकि विशेषज्ञ इस बारे में एक राय नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कुदरती संरचनाएं हैं और अपने आप बनी हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन्हें इंसानों के इतर किसी अन्य सभ्यता ने बनाया है। हालांकि इस रहस्यमय शहर की सच्चाई कोई भी नहीं जानता। चौथे नंबर पर है सी मॉन्स्टर का क्या रहस्य है। सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री दैत्यों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। माना जाता है कि यह भारी भरकम विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। सी मॉन्स्टर ड्रैगन, सांप, स्क्विड्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। पांचवें नंबर पर है एलियंस स्पेसशिप का रहस्य। 2011 में बाल्टिक सागर की तली में एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट मिला था। माना जाता है कि इसमें जादुई शक्तियां हैं, जिसके चलते इसके आसपास गोताखोरों के उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि यह अंतरिक्ष के जीवों का स्पेसशिप है जो दुर्घटना के बाद समुद्र में आ गिरा था। छठवें नंबर पर है क्यूबा के अंडरवाटर शहर का रहस्य। 2001 में क्यूबा में समुद्र के अंदर एक शहर का पता चला, जिसमें कई पिरामिड और गोल आकृति वाली संरचनाएं हैं। खंभे और अन्य ज्योमेट्रिक आकृतियां भी हैं। माना जाता है कि यह पानी में डूबा हुआ शहर है, जहां हजारों साल पहले लोग रहा करते थे। सातवें नंबर पर है ब्रिटिश कोलंबिया में मिलने वाले पैरों का रहस्य। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में सैलिस बीच पर इंसानी पैर मिलते रहे हैं। 2008 से शुरू हुए इस सिलसिले के तहत अब तक 16 पैर मिल चुके हैं। इनमें से कुछ पैरों में स्नीकर्स, हाई बूट और रेगुलर शूज भी थे। ये पैर वहाँ कैसे पहुँचते हैं, कोई उन्हें यहाँ क्यों छोड़ देता है और ये किसके पैर हैं, इन सारे सवालों का अब तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। आठवें नंबर पर है 9 फीट लंबे शार्क को खाने का रहस्य। ऑस्ट्रेलियाई साइंटिस्ट 9 फीट की एक ग्रेट व्हाइट शार्क पर रिसर्च कर रहे थे। एक दिन उन्होंने पाया कि शार्क बीच पर पड़ी हुई है, लहरें उसे किनारे तक बहा ले आई थी। उस शार्क का आधा शरीर खाया जा चुका था। वैज्ञानिक यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि समंदर में ऐसा कौन सा जीव हो सकता है जो इतनी बड़ी और खूंखार शार्क का भी शिकार कर सकता है। अनुमान लगाया गया कि दूसरा जीव और बड़ी शार्क हो सकती है। उसे कैनिबल शार्क का नाम दिया गया है। हालांकि यह अब तक एक अनुमान ही है और सच्चाई के बारे में कोई भी पक्के तौर से कुछ नहीं कह सकता। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे यूनिवर्स एडवेंचर के चैनल पर नए हैं और आप भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में रुचि रखते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले वीडियोस को बिना रुके देख सकें। फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।